और सीमा हैदर, मुझे अगर ना भगाए हम तो हमारा नाम बदल देना। जब मैं कोर्ट में मिलूंगी, कोर्ट में गौतम बुद्ध नगर फैमिली कोर्ट में मिलूंगी तुझे। तू बोल रही है ऐदर कुत्ता, ऐदर कुत्ता तू कुटिया, तेरे इतने लफेड़े बजेंगे ना तू याद रखेगी। तू नाच ले जितना नाचना है। कुछ वक्त और रुक जाओ, अगर राज अपनी मुंह माँ के मुंह पे चांटे ना मारे तो मेरा नाम आस्था मारे। और सीमा हैदर, तुझे अगर ना भगाए हम तो हमारा नाम बदल देना। तेरा भाई जितना मर्जी प्रयास कर ले, जितनी मर्जी कोशिश कर ले, तू यहां से निकलेगी। निर्भय के दोषियों को भी बचाने की कोशिश की गई थी, बची नहीं थी। भगोड़ी को सुनने दो ना, उसको अच्छा लग रहा है। उसको कहा मुजरा कर, 10 किलो मेकअप थोप के मुंह पे मुजरा कर, है ना। और देखा, मुजरे के बिना ये नहीं रह सकती भाई, मुजरे के बिना ये नहीं रह सकती, क्योंकि आपने देख लिया आज वो रामनवमी थी, वीडियो डाल दी मुजरे की, क्योंकि ये मुजरा उसी दिन इसने किया था जिस दिन इसका भाईओ आया था घर पे। पपीता खाओ, सेब खाओ, मतीरा खाओ, तरबूज खाओ, तेरे लेंस ना, तेरे लेंस, तेरी आंखों के लेंस अगर पुलिस वालों ने नोच के ना निकाल दिए ना, तब कहियो सीमा नाच ले। तुझे लग रहा ना मैं भाई के सिर पे नाच लूं, तो तेरे भाई के सिर पे कानून नहीं चलता, ठीक है, तेरे भाई के सिर से संविधान नहीं चलता। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती, अरे एक दिन पहले थी दूसरे दिन मना रही है कहने से, है, और हाथ जोड़कर बैठ रही है। बाबा साहब के बारे में पूछ रही थी, बाबा साहब के बारे में क्या पूछ रही थी, बाबा साहब के बारे में कौन बता रहा था। 3 दिन आप लोगों ने रिकॉर्डिंग सुन ली होगी, बबीता की रिकॉर्डिंग सुन ली होगी, वो कहती सिर्फ 3 दिन पढ़ते हैं, तीसरे दिन चौथे दिन ये पिटती है, हर हालत में पिटती है। तू पिटने के बाद भी इतनी बड़ी बेशरम है, तू रुक जा, तू बोलेगी बहन, तू बोलेगी, तू 4 दिन बाद बोलेगी, तो फिर बोलेगी बोलेगी, तू आके छाती पीटेगी। टेंशन मत ले, तुझे मैं कोर्ट में मिलूंगी, कोर्ट में गौतम बुद्ध नगर फैमिली कोर्ट में मिलूंगी तुझे, याद रख, तेरा मेरा आमना सामना फैमिली कोर्ट में होगा। आइयो 1 किलो 2 किलो 2.5 किलो मेकअप करके वहां पहुंचियो, बच्चों को अच्छे से तैयार करके, है ना, उनको भी लिपस्टिक बिंदी भगोड़ी लगाकर आ जाइयो वहां पे कोर्ट पे, और जज साहब को कहियो जज साहब करके उनके कहियो, तू रुक जा, तू तू बोल रही है ऐदर कुत्ता, ऐदर कुत्ता तू कुतिया, है ना, क्योंकि कुत्ते के बच्चे तो कुतिया ही पैदा करेगी, इंसान तो कर नहीं सकता। उसी कुत्ते का तूने खाना खाया, उसी कुत्ते के तूने कपड़े पहने। सुनने दो भगोड़ी को, आ सुन वैश्या छिनार, सुन मेरी बात, तेरे इतने लफेड़े बजेंगे ना तू याद रखेगी। तू नाच ले जितना नाचना है, तू कमा पैसा, कमा जितना पैसा कमाना है, तू कोठे वाली तू कमा ले, फिर देख उसके बाद तेरी क्या हालत होती। कहा अरे थोड़े दिन रह गए हैं, 1 महीने के बीच में बात रह गई है, तेरा आमना सामना होगा बहुत से लोगों के साथ, बहुत से लोगों के साथ तेरा सामना होगा, तू टेंशन मत ले। तू एक बार आ कोर्ट में, डोली आई पाकिस्तान से, डोली आई भाई साहब, डोली बहुत अच्छी आई पाकिस्तान में, तो और भी महिलाएं मेरी हिंदू बहुत दुखी हैं, लाओ ना डोलियां वहां से तो डोली आई नहीं कभी। मतलब एक बंदे को बात करने में ना 100 बार हम सोचते हैं, और मतलब ठीक है वकील झूठ बोलते हैं, इतना झूठ, डोली आई, वो रिक्शा पे आई, वो तांगे पे आई, वो पत्र, सुनो सीमा का धर्म परिवर्तन नहीं दिखा, सीमा के बच्चे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, सीमा के बच्चे दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, नवरात्रि के व्रत रखते हैं, सीमा के बच्चे होली मनाते हैं, रंग लगाते हैं, रंग कैसे लगा लिया। ये बातें करने वाली हैं कि सीमा के बच्चे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, ठीक है,
आ जाएंगे कोई चार आतंकवादी, हनुमान चालीसा पढ़ लेंगे, दुर्गा चालीसा पढ़ लेंगे, है ना, रामायण पढ़ लेंगे, बख्श देना उनको, कुछ मत कहना। कैसे मुसलमान बच्चों का कैसे धर्म परिवर्तन हुआ? कुछ नहीं हुआ, वो बच्चे का खतना हुआ है, उसको दिखता नहीं है। कितने टाइम, कुछ वक्त और रुक जाओ। अगर राज अपनी मुंह माँ के मुंह पे चांटे ना मारे तो मेरा नाम आस्था मानी। चांटे चांटे बजाएगा, चांटे चांटे बजाएगा इनके मुंह पे, और फिर आप देखना इसकी क्या हालत करेगा। ये भगोड़ी की जो बकवास कर रही है ना, और ये देखो भाई एक बात को, वो बिल्कुल आप जो कह रहे हैं पक्ष है, लेकिन जिस तरीके से सीमा आई वो भी तो गलत है। और अभी जो नागरिकता संशोधन कानून लागू हुआ है उसके तहत भी सीमा को नागरिकता मिलने का कोई चांस है नहीं? नहीं, चांस सुनने के लिए है, चांस सुनने के लिए है ना। सीमा भारत में क्या बन के आई? सनातनी हिंदू बन के आई, धर्म बात ग्रहण कर चुकी थी, तलाक वहाँ हो चुका था। उसके बाद यहाँ उसके आने का तरीका, जो 14 फॉरेनर एक्ट है, गजब गजब का झूठ, गजब। तलाक हो चुका था, तलाक हो चुका था, तलाक हो चुका था। भाई साहब तलाक कराकर आए थे। सीमा ने कहा भाई साहब मुझे कब्ज है। भाई साहब मीडिया में बोलेंगे अरे वो तो यहाँ के बीमार है, उसको तो कब्ज की प्रॉब्लम है, उसको तो मेडिसिन की जरूरत है, उसको खुल कहीं नहीं आती। जो सीमा बोलेगी हम वो बोलेंगे, जो सीमा बोलेगी हम वो बोलेंगे। भाई साहब से पूछो सीमा का खाता किसके नाम पर है, किसके अकाउंट में पैसे आते सीमा के। सुनो, वो नहीं बता रहा, उसके तहत उसकी गिरफ्तारी हुई, FIR, जेल गई, बेल हुई, केस चलेगा, ये जांच कर रही है। FIR में, FIR में तो सब पाकिस्तानी महिलाएं जिक्र है ना शायद? जी जी, FIR में क्या जिक्र है जो सीमा के अगेंस्ट FIR हुई, उसमें क्या, उसमें तो फॉरेनर महिलाएं जिक्र है कि उसके बिना पासपोर्ट वीजा के आई है, इसलिए 14 फॉरेनर है और इसलिए उसे जेल जाना पड़ा, नेवल कोर्ट ने बेल दी। ये कहते हैं अपने वकील के मार्फत भी, क्योंकि उनके जो वकील हैं मोमिन मलिक साहब, उनसे भी हमारी बातचीत हुई थी, वो कहते हैं कि मैं गुलाम को इंसाफ दिला के रहूंगा, और गुलाम ही चाहते हैं क्योंकि बच्चे उनको मिल जाए। नहीं नहीं, उन्हें बच्चे जो और बच्चे पहली बीवी के बच्चे, उनके बारे में कभी चैनल ने पूछा उनसे, कभी यहाँ के वकील उनके बच्चों के भविष्य के, उन्हें इनके इसलिए सनातन कैसे इकरार कर लिया, ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया, किस लिए हो गया, ये माँ के पास बच्चे क्यों है, दुनिया का कोई कानून नहीं है माँ को बच्चों से अलग कर दे, पहले बच्चों। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, मतलब बच्चों का उसने बात की पत्रकार ने, और मोमिन मलिक जी ने कहा कि बच्चे तो अपने बाप के पास जाएंगे, तो कितनी बात, कितनी लंबी बात, कितनी, सुनो। मुझे एक दो छोटी बातें आप बता दीजिए, क्योंकि जो याचिका लगाई गई है गुलाम हैदर की तरफ से, जो याचिका लगाई गई है अपने वकील मोमिन मलिक के मार्फत, उसमें शादी और धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया को चुनौती दी गई है कि जो शादी है वो भी वैध नहीं है और जो धर्म परिवर्तन सीमा ने किया वो भी वैध नहीं है। कोई बात नहीं, वो जवाब सीमा देगी, क्या करके आई थी, क्या किया। नहीं नहीं भाई साहब, जवाब आप दोगे। अरे सीमा कैसे देगी, आप बताओगे अंधेरे कमरे में, जैसे उस दिन बता रहे थे, कैसे बोलना, ATS आए, पुलिस आए, जज आए, कमिश्नर आए।